भारतीय पारंपरिक औषधी पद्धतीने अनेक शतकांपासून मानवी जीवनाच्या समृद्धीवर याचा प्रभाव सिद्ध करत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी खारघर येथे शनिवारी केले. होमिओपॅथी प्रादेशिक संशोधन संस्था आणि युनानी औषधांसाठी प्रादेशिक संशोधन संस्थेसाठी खारघरमध्ये आयुष इमारत संकुल उभारण्यात आले आहे. या संकुलाचे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते शनिवारी उद्घाटन झाले. खारघर येथे बांधण्यात आलेल्या या संकुलात RRIH आणि RRIUM या दोन्ही संस्था स्थित असतील. या वास्तूची पायाभरणी 28 डिसेंबर 2015 रोजी करण्यात आली. सिडकोने ही 3 मजली संकुल इमारत 5,860 चौरस मीटरच्या बांधकाम क्षेत्रात बांधली आहे. या संकुलाचे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते आणि मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. या कार्यक्रमाला भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आयुष मंत्रालयाच्या होमिओपॅथी सल्लागार डॉक्टर संगीता दुग्गल, राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोगाच्या अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना, संचालक डॉक्टर राज के मनचंदा, CCRIH चे महासंचालक डॉक्टर सुभाष कौशिक आणि CCRUM चे महासंचालक डॉक्टर असीम अली खान, RRIH चे प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रमेश बाबसकर, RRIUM चे प्रभारी अधिकारी डॉक्टर निर्मला देवी, भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, महिला व बालकल्याण समितीच्या माजी सभापती हर्षदा उपाध्याय, स्थायी समितीचे माजी सभापती नरेश ठाकूर, माजी नगरसेवक निलेश बाविस्कर, माजी नगरसेविका नेत्रा पाटील, अनिता पाटील, युवा नेते समीर कदम, किरण पाटील, दिलीप जाधव, गीता चौधरी, संध्या शारबिंद्रे, बिना गोगरी, शोभा मिश्रा, कांचन बिर्ला, संतोष शर्मा यांच्यासह होमिओपॅथिक आणि युनानी संशोधक, शास्त्रज्ञ आयुष प्रणाली आणि आधुनिक औषधांचे वरिष्ठ चिकित्सक, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. युनानी और होमिओपॅथी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के वजह से निश्चित रूप से महाराष्ट्र प्रदेश में जनताओं ने दोनों सिस्टम को बहुत साल से विशेष रूप से मान्यता देते आए हैं. और आज मुझे इस जानकर खुशी हो गई कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन एक साथ इंटीग्रेटेड होने के वजह से लोगों को काफी राहत मिलेगा. अलग अलग रिसर्च की एक्टिविटी आगे बढ़ाने का दोनों इंस्टीट्यूशन काम करेगा और हमारे एक OPD हो, IPD हो, दोनों सेक्टर में जैसे अलग अलग बीमारियों को राहत देने का ये इंस्टीट्यूशन एक प्रमुख भूमिका लेंगे. तो मुझे लगता है कि आज इस अवसर पर आप लोगों ने, विशेष रूप से इस स्थानीय लोगों ने इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने में जो आप लोगों ने मदद की है, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं. मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठान नहीं खड़ा हो सकती. और आज इसलिए देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता को एकत्रित किया है. एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हर प्रांतों को एक मंत्र से जुड़े हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी सबको मेहनत करना होगा. सम्माननीय मंत्री महोदय जी युवा अवस्था से राजनीति से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े हैं और उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है हमारे देश की सुरक्षा के मामले में. बहुत ज्यादा कि उन्होंने बांग्लादेश से फिल्ट्रेशन होने वाला एक बहुत बड़ा तबका, उसको रोकने के लिए स्टूडेंट्स के एज से एक बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने बनाई थी. हम खारघर में आज यहाँ पर उपस्थित हैं. खारघर में ही टाटा का एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यहाँ पर मौजूद है. कैंसर के बारे में रिसर्च करते हुए आज इस संस्था के इस कैंपस की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उपयोग आज ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा रहा है और देश के विभिन्न क्षेत्रों से कैंसर पेशेंट्स आज यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं.
तो ऐसे में आज ये कैंसर आने के बाद एक के किसी के शरीर में फैला होने के बाद उस पर क्या किया जाए इसके बारे में तो रिसर्च हो रहा है, पर क्या यूनानी या होम्योपैथी के माध्यम से ऐसा हमारा भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो कई सालों से जो रिसर्च हुआ है क्या उसका उपयोग करके इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हमारी लाइफस्टाइल जो सदियों से चलती आई उसमें आज हम लोग समय के साथ बदलते रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि कैंसर को बहुत ही जल्दी हमने आप में आमंत्रित कर लिया है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ रिसर्च हो जिसका फायदा इन सारे लोगों को हो, यहाँ के लोगों को हो, ये काम यहाँ से होगा ऐसी उम्मीद हम लोग भी यहाँ पर करते हैं।